नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वम्भर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल धैर्य विद विश्वम्भर थानवी। आज हम छंद का एक भाग दोहा, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, दोहा छंद की विशेषता, दोहा छंद में कितनी मात्राएँ होती हैं, या दोहा किस प्रकार का छंद है, मात्रिक है या सममात्रिक है या अर्ध सममात्रिक है, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। यदि हम दोहे की बात करें, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद की श्रेणी में आता है। अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद है दोहा। दोहे की यदि हम चर्चा करते हैं तो यह अर्ध सममात्रिक छंद की श्रेणी में आता है। वैसे तीन प्रकार के छंद होते हैं, मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद। मात्रिक छंद में ही ये भाग तीन माने गए हैं। सममात्रिक छंद से विपरीत है, जिसे सभी छंद के सभी भाग की जो मात्रा है वो समान हो, अर्थात जिसके सभी प्रचरणों में समान मात्राएं हो, उसे हम सममात्रिक कहते हैं। जबकि अर्ध सममात्रिक छंद से विपरीत है, जिसके चार चरणों में सम चरण समान हो और विषम चरण समान हो, उसको हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। इसके अलावा तीसरा जो छंद होता है उसको विषम मात्रिक छंद कहते हैं, अर्थात जिसके एक भी पद की मात्राएं समान नहीं होती। अब दोहा छंद की दूसरी बात करते हैं, विशेषता की। दूसरी विशेषता है इसके अंत में दीर्घ व लघु मात्राएं होती हैं। दीर्घ को हम गुरु भी कहते हैं, दीर्घ और लघु, लघु को हर्ष भी कहते हैं। लघु मात्राएं होती हैं अंत में, दीर्घ व लघु मात्राएं, इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, एस और आई, ये चिन्ह है, इसको हम चिन्ह के रूप में भी हम संबोधित कर सकते हैं, ऐसा ही। इसके अलावा इसके अंत में सदैव, इसके अंत में सदैव आई होता है, आई मतलब हर्ष, इसके अंत में सदैव आई यानी हर्ष, हर्ष को हम लघु भी कहते हैं, लघु होता है। यह कतिपय दोहा छंद की कुछ विशेषताएं होती है। अब यहाँ बात आती है अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक मतलब इसके सम चरण समान और विषम चरण समान होते हैं। तो सम चरण से विपरीत है, समचरण से विपरीत है दूसरा और चौथा चरण। दूसरे और चौथे चरण में जो मात्राएं होती है वो 11 मात्राएं होती है। जबकि विषम चरण की मात्राओं की बात करें, विषम चरणों में मात्राएं जो होती है 13 मात्राएं। बालकों को याद करने की दृष्टि से जब हम ये कह सकते हैं 13-11 मात मिले वो 2400 मात, मात्रिक है या अर्धसम, दोहा जग विख्यात। इसके संदर्भ में यदि हम उदाहरण की बात करें तो बिहारी सतसई का पहला ही दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सुन, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सुन, राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो, यहाँ पर यति होगी और यहाँ पर पूर्ण यति, इसको हम यति कहते हैं, इसको पूर्ण यति कहते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे यति श्याम हरित दुखी होगी, श्याम हरित दुखी होगी, दुखी होगी, यहाँ पर परिपूर्ण है, इसको हम परिपूर्ण है। अब बात करते हैं अपने हर्षो और दीर्घ, हर्षो मात्राएं कहाँ होती है और दीर्घ मात्राएं कहाँ होती है। इसकी यदि हम बात करें, हर्षवी बात मात्राओं की बात करते हैं तो जहाँ पे त, ई, उ, री और जहाँ अर्धानुस्वार चंद्रबिंदु, वहाँ जो मात्राएं होगी वो हमेशा हर्षो मात्रा होगी या लघु मात्रा होगी। यदि हम दीर्घ की बात करें, दीर्घ मात्राएं कहाँ होती है, इसके जस्ट आगे हम करते हैं आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इसके अलावा विसर्ग, इसके अलावा अनुस्वार, इसके अलावा संयुक्त अक्षर का पहला जो वर्ण है वो भी दीर्घ होता है,
तो तकरीबन ये जो है जानकारी अपने को दोहे के रूप में मिल जाती है। अब इस दोहे की जांच करना है कि वास्तव में दोहा मात्राओं की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ गुरु ई लघु ई लघु ई गुरु ई गुरु कई बार ऐसा भी माना जाता है, कई विद्वान ये भी कहते हैं। हालांकि छंद तो मात्रिक है लेकिन वर्ण का दोष भी यहाँ मिल रहा है। यहाँ ताराज ताराज एस एस आई आने से ताराज आने से भी दग्ध हो जाता है दोहा और छंद दग्ध होने के कारण वहाँ पे अशुद्धि हो जाती है। तो सब ये नहीं माना जाता है कि भैया ताराज का प्रयोग शुरुआत नहीं होना चाहिए, यहाँ भी अशुद्ध रूप से माना जाता है। लघु गुरु 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ 13 माताएं होंगी। यहाँ पर 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 11 माताएं हुई, 13 मात्रा है, यहाँ 11 माता 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 13 माता है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से दोहा छंद की परिपूर्ण विशेषताएं होंगी। 13 11 मात मिले तो 2400 मात मात्रिक है या अर्धसम दोहा जब विचार। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल हे पृथ्वी समर्थाने को अवश्य लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम आगे छंद के अगले भाग भी देखते रहेंगे। धन्यवाद।